आज पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की महामारी के बीच लोग दम तोड़ रहे हैं। इसी त्रासदी का शिकार हुए एक नौजवान ने लखीमपुरी में दम तोड़ दिया। अपने परिवार की चिराग को बचाने के लिए परिजन अस्पताल से अस्पताल लगातार चक्कर लगाते रहे, लेकिन कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली। अपने परिवार की चिराग को खो चुके अब इस परिवार ने लखीमपुर के ऑक्सीजन से तड़पते हुए लोगों को राहत देने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड से सबसे शुरुआती दौर तो हमारा जो 24 तारीख को हमारे भतीजे उम्र 38 साल थी, उसकी तबीयत खराब हुई। हम लोग अस्पताल लेके भागे, जो वहाँ हर डॉक्टर ने कहा ऑक्सीजन नहीं है। उस दिन हमको ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, रात में ऑक्सीजन पूर्ति कर पाए, सुबह उसकी डेथ हो गई। उस सुबह जब डेथ हुई तो हम लोग एक ही संकल्प लिए हैं कि हमारे परिवार के सदस्य चला गया, मगर हम किसी परिवार के और सदस्यों को हम नहीं जाने देंगे। तो हम अपनी तरफ से जितना कोशिश करेंगे, जितनी ऑक्सीजन हम अपनी तरफ से सप्लाई कर पाएंगे सप्लाई करेंगे। अरे जिसको आवश्यकता है उसको फ्री सिलेंडर वितरण करवा रहे हैं। किल्लत बड़ी सिलेंडर की थी, जब बच्चे वाली हमारी दिक्कत आई थी तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि सिलेंडर फ्री बैठवा। कितने सिलेंडर लगभग 150 के करीब पहुँचे थे। घटना लखीमपुर के जिला पंचायत सदस्य मिथिलेश उर्फ गलहर सिंह के घर की है, जहां उनके बेटे मनोज सिंह की 24 अप्रैल को मौत हो गई थी। मौत के बाद पूरा परिवार अब शहर के जरूरतमंदों को निशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहा है। इस परिवार की इस पहल पर लोग उन्हें जहां दुआएं देते नजर आ रहे हैं, वहीं उनकी चारों तरफ प्रशंसा भी होती हुई नजर आ रही है। लखीमपुर खीरी से गौरव गुप्ता, न्यूज़ वन इंडिया।